Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुम समझने की कोशिश करो। मुझे समझाने के बजाय आप अपनी बेगम को क्यों नहीं समझाते? उसे कहें, अगर इतने बड़े खानदान की बहू बनी है तो अपनी सोच और अपना दिल दोनों बड़े रखे। आते आप नाराज हैं मुझसे? मैं आपसे बात कर रही हूँ। तंजीला, तुम बीवी हो मेरी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल ही नहीं कर सका, तो फिर तुम्हारे होते हुए मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? मैं तुम्हारे सिवा अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता तंजीला। मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। इसलिए अपने दिल से ज़ारा के लिए शक निकाल दो। जानती हूँ आते, लेकिन पता नहीं क्यों हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता है मेरी जिंदगी में। आपके सिवा और है क्या? इसलिए ज़ारा का ये रवैया, उसका आपके साथ ये बेतकल्लुफ होना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आप पर भरोसा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा है, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं है। तंजीला, तुम्हारी किस्मत अब मेरी किस्मत से जुड़ी है, इसलिए सारे गम, सारे वसवसे दिल से निकाल दो। मुझे ताया जान के घर जाना है, चली जाऊं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जरूर जा। एक्चुअली फैसल को स्कॉलरशिप मिला है, वो अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन ताया जान उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं उनसे बात करना चाह रही थी। ताया जान की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी तरफ आ रहे हैं? जी जी, आ जाइए, मैं घर पर हूँ। ताजन खुद आ रहे हैं, शायद अब मुझे जाने की जरूरत नहीं। मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो गई। बिल्कुल ठीक, अच्छी लग रही है।
आज तुम्हें देखकर मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। दरअसल मैं घर से तो रिक्शे से ही निकली थी, बस रास्ते में अचानक से रिक्शा खराब हो गया और मैं दूसरे रिक्शे का इंतजार कर रही थी। खुदाया इतनी गर्मी, खुदा का शुक्र है कि आप आ गए। अगर आप नहीं आते तो मैं तो अभी तक वहीं खड़ी होती, और ऊपर से बेटी के ससुराल का मामला, आप तो जानते हैं वहाँ लेट जाती तो क्या इज्जत रहती मेरी। होता है अक्सर, कोई साथ देने वाला बीच रास्ते में धोखा देकर साथ छोड़ जाता है। वैसे आप अकेले क्यों, आपके हस्बैंड? वो मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। वैसे आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप एक जवान बेटी की माँ हैं। आपको कैसे पता चला कि मेरी एक जवान शादीशुदा बेटी है? अभी आपने खुद तो बताया कि आपको अपनी बेटी के घर जाना था। बताया, देखें गर्मी से ये हाल हो गया कि मैं अभी चंद लम्हे की हुई बात खुद से भूल गई। तो सोचें, अगर आप मजीद खड़ी रहती तो आपकी क्या हालत होती, आप तो शायद खुद को भी भूल जाती। लेकिन सारी बात में मेरी बात तो बीच में रह गई। कौन सी बात? यही कि आप एक जवान शादीशुदा बेटी की माँ है, और अगर उसके भी बच्चे हुए तब तो आप नानी हो गई। जब मैं यकीन कीजिए कि मेरा दिल तो आपके जवान बच्चों की माँ होना भी तसव्वुर नहीं कर रहा। खैर, ऐसी भी बात नहीं है, इतनी भी जवान नहीं हूँ मैं। आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? यकीन कीजिए कि आप वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत जवान लगती हैं। दरअसल मेरी 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी। जल्दी शादी हो जाए तो ऐसे ही होता है। आप शादीशुदा हैं? नहीं, अभी नहीं। वैसे रास्ता एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, अगर आप कहें तो हम बैठे कुछ ठंडा पी सकते हैं। वैसे भी गर्मी बहुत है। रेस्टोरेंट? परेशान ना हो, मैं आपका बेटी खाना चाहता हूँ। ठीक है। शादा है, कैसे भूल सकते हैं उस मुलाकात को? तुम्हारी बातों में इतनी गुम हो गई थी कि बेटी के घर जाना भी भूल गई थी। और तुम्हें पता है तुम मुझसे कितनी नाराज हुई थी? दिल पर हाथ रख के बताओ, तुम्हें ये नाराजगी अच्छी लगी या बुरी? खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें इतने फोन किए लेकिन तुम्हारा फोन ही बंद था। कई दफा तुम्हारे घर भी गया पर वहां भी ताला लगा था, कहाँ चली गई थी? तुम्हें छोड़कर कहाँ गायब हो सकते हैं? तुम तो मेरी रूम में बसते हो, बस एक मजबूरी थी इस वजह से मुझे जाना पड़ा। अम्मा ज्यादा बीमार हो गई थी, बाजिद थी कि उन्हें उनके गांव लेकर जाया जाए, मुझे अम्मा की बात माननी पड़ी। वहाँ टेलीफोन वगैरह के कोई सिग्नल वगैरह का भी सिलसिला नहीं था, जब भी फ़ोन करती थी आपको फ़ोन ही बंद मिलता था, ना आपसे बात हो सकी और ना अपनी बेटी से। हाँ, जैसे ही आई हूँ सबसे पहले आपसे मिलने आई, मैंने सोचा बेटी से बात में मिल लूँगी। जानता हूँ, इसलिए शायद तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त तुम्हारी बेटी कहाँ है। कहाँ? क्या मतलब? उसने कहा उन्हें अपने घर में ही होगी। नहीं, वो अपने घर में। क्या?
घर में नहीं है तो फिर कहाँ है वो? जेल। जेल में? ये क्या कह रहे हो? क्यों क्यों जेल में है वो? लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? मेरी बेटी का तुमसे क्या ताल्लुक? मेरी उससे एक पार्टी में मुलाकात हुई थी, फिर बातों बातों में पता चला कि वो तो तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी जेल में? नहीं रोहिल, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। अल्लाह के वास्ते मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। मेरी बेटी जेल में? मैं ले चलूंगा, मैं बिल्कुल ले चलूंगा। लेकिन देखो, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बोलो। कि तुम उसे मेरे और अपने बारे में कोई बात नहीं करोगे। देखो वो ऑलरेडी टेंशन में, मैं नहीं चाहता कि मजीद वो परेशान हो जाए। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे तुम्हारी कसम, नहीं बताऊँ, तुम्हारा जिक्र भी नहीं करूँगी, लेकिन मुझे ले चलो वहाँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें लेकर चलूँ, खुद लेकर चलूँगा। ताईजान, आपको फैसल की बात मान लेनी चाहिए, ये उसके रोशन मुस्तकबिल का सवाल है। पहले उसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां गुजरी हैं, ये उसके पास अच्छा मौका है अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से शुरू करने का। और फिर आप भी तो यही चाहते थे। बेटा मैं तुम्हें अकेला छोड़कर ऐसे कैसे चले जाऊं? मेरा जी नहीं मानता, ऐसा हो नहीं सकता। ताहिजान मैं जानती हूँ आपको मेरी कितनी फिक्र, लेकिन अब आपको मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं अब अपने शोहर की जिम्मेदारी हूँ और आते मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। रखता होगा, बिल्कुल रखता होगा। लेकिन बेटा, बेटियां ससुराल में उसी वक्त तन के रह सकती हैं जब महके में उनके पीछे कोई हो, और जिनका महके में पूछने वाला कोई भी ना हो उनकी ससुराल में भी वक्त खत्म हो जाती है। अल्लाह ना करे ताहिजान का भी ऐसा वक्त आए। अल्लाह आपका साया हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे। आप जहां भी जाएंगे आपकी मौजूदगी का एहसास हमेशा मुझे सहारा देगा। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि बाप बेटियों का कहा कभी नहीं टालते। तुमने तो मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? देखो मैं ये चाहता हूँ कि फैसल अमेरिका जाने से पहले शादी कर ले। मैंने बात की थी उससे, लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया। तुम अगर उससे कहोगी तो शायद मान जाए। एक दो रिश्ते हैं मेरी नजर में, अगर वो मान जाता है तो फिर मैं उन लोगों से बात करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जा, फैसल को अब शादी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी अमेरिका जाने में 4-5 माह तो लग जाएंगे। तो तुम बात करो उससे, उसको कायल करो शादी के लिए। मैं बात करूंगी और मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। अल्लाह करे। तंजीला यहाँ अपने कजन की शादी का मसला हल कर रही है और आतिर वो ऑफिस में है। मामा से कैश का बोला था पर उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। क्यों ना तंजीला के रूम में जाया जाए। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ कैश या फिर कोई रिंग वगैरह।
मेरा मशवरा है कि उस आनिया से बचकर रहो। क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे और तंजीला भाभी के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने के लिए। जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आनिया एक अच्छी लड़की है। वो अपने किए पर वाकई शर्मिंदा थी, इसीलिए मैंने उसे माफ कर दिया। लेकिन आखिर मेरा मशवरा यही है कि आनिया से दूर रहो। ये मत भूलो कि औरत के हजार रूप होते हैं। कब, कहाँ, किस रूप में क्या वार करते हैं।